बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर अतिक्रमण यात्रियों के जी का जंजाल बना हुआ है। विभागीय जिम्मेदारों को अतिक्रमण की खबर तो है, लेकिन इसे हटवाने में वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। नोएडा जा रहे यात्री सचिन ने बताया कि सैटेलाइट बस स्टैंड परिसर में अतिक्रमण की वजह से जाम लग जाता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परेशानी क्या, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा रहता तो दिक्कत तो होती है, जाम में यही प्रॉब्लम है। और क्या जी, यहाँ पर जी थोड़ा बहुत रहता है भीड़ भाड़ कभी, इसलिए दिक्कत तो है। इनको सही जगह सुरक्षित लगाना चाहिए कि जो है ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना आए। यात्रियों ने बस स्टैंड परिसर में हुए अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अतिक्रमण की वजह से बस स्टैंड परिसर में प्रवेश करने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। समस्या यहाँ ठेले वेले लगे हैं रोडवेज में, इससे परेशानी होती है पब्लिक को, निकलने बैठेंगे परेशानी अधिक होती है। हाँ, बसें कहाँ में निकलें, कहाँ में प्रार्थी निकलें, इसलिए ये अतिक्रमण हटाया जाए अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, यात्रियों के लिए सुविधा होगी, ये ठेले फेले हटाए जाएं। बस स्टैंड प्रभारी पूनम सक्सेना से इस बाबत बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कैंटीन ठेकेदार को कई बार अतिक्रमण से मना किया है, ठेले हटवाए भी गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। ये ठेले हम हटवाते भी हैं, मगर ये कैंटीन वाले के हैं ये ठेले, वो फिर से लगा लेते हैं, अधिकार क्यों नहीं, हटवा भी देते हैं हम। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली के क्षेत्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के अपर महामंत्री ने भी अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण से न केवल यात्रियों को बल्कि चालकों और परिचालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार इस समस्या की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। सैटेलाइट बस स्टेशन पर जो कैंटीन ठेकेदार है, उसके द्वारा लगातार तमाम अनधिकृत ठेले लगाकर अतिक्रमण बनाया हुआ है, जिससे बस संचालन में भारी परेशानी लगातार बनी रहती है, यात्रियों को वहाँ परेशानी होती है और तमाम तरह की वहाँ गंदगी भी होती है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स उसके द्वारा बेचे जाते हैं जो अधिकृत नहीं है या जो टेंडर की शर्तों के अनुरूप नहीं होते, और मूल्य से अधिक रेट पर भी उनके द्वारा सामान बेचा जाता है। लेकिन हमारे अधिकारियों को हमने संगठन के स्तर पर अनेकों बार उनको लिखित रूप से भी दिया, मौखिक रूप से भी अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बस अड्डा ये खुला बस स्टेशन है, सैटेलाइट बस स्टेशन, जहाँ पर बसों का आवागमन भारी संख्या में होता है, यात्रियों को भारी असुविधा होती है इस तरह से अतिक्रमण होने से, और कैंटीन ठेकेदार द्वारा निरंतर जो अतिक्रमण बनाए रखा है, ये कहीं ना कहीं आपकी इसमें संलिप्तता स्पष्ट नज़र आती, उसके बावजूद भी उनके द्वारा ये ठेले नहीं हटाए जाते। इसके संबंध में मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा, विगत माहों में प्रमुख सचिव परिवहन महोदय का यहाँ पर आगमन हुआ, उनका दौरा कार्यक्रम हुआ, तो उस दिन बस स्टेशन के तमाम ठेलों को हटा करके साफ सुथरा करा दिया गया। उसके कुछ दिन बाद ही नोडल अधिकारी महोदय का बरेली क्षेत्र में आगमन हुआ, उनका दौरा कार्यक्रम था, तो बस स्टेशन से ठेलों को हटा दिया गया। तो जब कोई उच्चाधिकारी या शासन का अधिकारी बरेली में भ्रमण करता है, परिवहन निगम की परिस्थितियों का वास्तविक अध्ययन करना चाहता है, तो उस समय यहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन उनके जाते करने के बाद तुरंत पुनर्स्थिति में सारी व्यवस्था बदल जाती है। और इसमें हमारे अधिकारी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से उनका संरक्षण है, और कैंटीन ठेकेदार की मिली भगत से बस स्टेशन पर यात्रियों को असुविधा, गंदगी, मनमाने रेट पर सामान उपलब्ध होता है, और तमाम तरह की बस संचालन में हमारे चालकों परिचालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और ये स्थिति निरंतर बनी हुई है। हमारे अधिकारी इस तरह को मनमानी बनाए रखते हुए इस पर किसी प्रकार के सुधार करने को तैयार नहीं है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।